प्रदेश में कोरोना पर काबू पाने के लिए पहले वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया और फिर कर्फ्यू की समय सीमा को बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया है। 3 मई तक प्रदेश में कर्फ्यू लागू रहेगा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर के एमआई रोड, जहां पर हमारे संवाददाता दिनेश कसाना मौजूद हैं। दिनेश, कैसा माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है? वीकेंड कर्फ्यू में देखा था सन्नाटा पसरा पड़ा था रोड पर, लेकिन आज अब जब नई गाइडलाइन आई है उसके बाद कैसी स्थिति आप देख पा रहे हैं? किस प्रकार से पालना राजधानी जयपुर में कर्फ्यू की करवाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए, दो दिन तक जिस तरह से वीकेंड कर्फ्यू का असर देखा गया उसको देखते हुए और जिस तरह के हालात दूसरी लहर में, कोरोना की दूसरी लहर में लगातार जिस तरह से भयावह स्थिति बन रही है, पॉजिटिव केसेज की संख्या बढ़ रही है, 10,000 से अधिक पॉजिटिव केसेज प्रदेश भर में कल आए और मौतों का आंकड़ा भी 40 के लगभग प्रतिदिन पहुंच गया है, तो ऐसे में राज्य सरकार की ओर से अब यह फैसला लिया गया है कि जन अनुशासन पखवाड़ा 15 दिन का मनाया जाए, ताकि जिस तरह से कर्फ्यू दो दिन लगाया गया उसी तरह की पाबंदियां इस जन अनुशासन पखवाड़े के तहत रखी गई है। लेकिन अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे राजधानी जयपुर का नजारा एक बार, जहां पर जिस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं उनका कुछ असर यहां पर देखा जा रहा है। हालांकि दुकानें, मार्केट, मॉल्स को पूरी तरह से बंद रखा गया है। जरूरी जो सेवाएं हैं, खाद्य सामग्री की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं या इंटरनेट मोबाइल की दुकानें हैं, एटीएम है, बैंक है, उनको खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन जिस तरह से सड़कों पर लोग दिख रहे हैं, व्हीकल्स दिख रहे हैं, सार्वजनिक परिवहन सेवा को चालू रखा गया है, तो भारी हालांकि लोग पूरी तरह से अभी तक सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन सर पुलिस प्रशासन जिस तरह से दो दिन तक वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सख्ती दिखाई गई, उस तरह की सख्ती आज नहीं दिख रही है। बिल्कुल, जिस प्रकार से वाहनों का आवागमन देखा जा रहा है सड़क पर, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से सरकारी कार्यालय हैं उनको भी खोला गया है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से वाहनों की आवाजाही देखी जा रही है राजधानी की सड़कों पर, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी पाबंदियां हैं और कितने लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर। वो राजधानी जयपुर की सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह से कल जब वीकेंड कर्फ्यू था तो इस दौरान बत्तियों पर पूरी तरह से सड़कें सूनी हुई थी, लेकिन आज सड़कों पर वही चहल पहल देखने को मिल रही है। लोग घरों से निकल रहे हैं, चूंकि अधिकांश सरकारी कार्यालय हैं उनको खोल दिया गया है, तो ऐसे में जो कर्मचारी हैं वो अपने कार्यालय से जाने का समय है। सार्वजनिक परिवहन सेवा है वो पूरी तरह से चालू रखी गई है। हालांकि जो बसें हैं उनमें 50% सवारियों का प्रावधान किया गया है कि जिस तरह से एक छोड़कर एक सीटिंग अरेंजमेंट रखा जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा सके। तो इस तरह से जो वीकेंड लॉकडाउन का असर राजधानी जयपुर में, प्रदेश भर में देखने को मिला, उस तरह का असर इस जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आज पहले दिन है। आज सुबह 5 बजे से जो गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की गई उसका लागू हो गई, लेकिन जिस तरह का असर देखने को मिलना चाहिए वो आज नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं सड़कों पर लोग पूरी तरह से निकल रहे हैं और जिस तरह की भयावह स्थिति इस सेकंड लहर में बनी हुई है, लगातार 10,000 से अधिक पॉजिटिव केसेज प्रदेश भर में मिले, तो किस तरह से इन पर रोका जा सकता है, किस तरह से काबू पाया जा सकता है? अगर इसी तरह से सड़कों पर लोग निकलेंगे, सरकार सख्ती जिस तरह की करी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से इन मौतों को आंकड़े को देखते हुए, पॉजिटिव केसेज के आंकड़े को देखते हुए जिस तरह से एक कड़े फैसले लिए हैं, लेकिन आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन का जो रवैया है कुछ ढीला दिख रहा है और इसी कारण से लोग लगातार सड़कों पर दिख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसी तरह की स्थिति रही तो क्या इस कोरोना की जिस तरह की भयावह स्थिति बन रही है उस पर काबू पाया जा सकेगा? बिल्कुल दिनेश, यहां पर बड़ी बात यह है, जन अनुशासन पखवाड़ा मनाने जा रही है सरकार। सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा इसलिए मनाया कि जनता को अनुशासित बनाया जा सके, जनता को एक संदेश दिया जा सके, जनता को जागरूक किया जा सके, लेकिन यहां पर इसका असर उल्टा नजर आ रहा है। जिस प्रकार की आवाजाही सड़कों पर देखी जा रही है तो इस बात से तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3 मई तक लागू किया गया कर्फ्यू बेअसर रहने वाला है। दुकानें बंद कर दी गई तो ऐसे में कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी चोट लोगों को पहुंचेगी। ऐसे में यदि कोरोना की चेन नहीं टूटती है तो ये 3 तारीख तक जो लगाया गया कर्फ्यू है वो भी बेअसर होने वाला है। देखिए, सरकार का मकसद यही है कि कोरोना की जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ा जाए। वीकेंड लॉक जो कर्फ्यू रहा उसका असर पूरी तरह से, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल लगातार जिस तरह से मंत्रिमंडल में मंत्रियों के साथ चर्चा की और उसके बाद
जिस तरह से चिकित्सा विशेषज्ञों से चर्चा की और जो फीडबैक मिला उस फीडबैक के आधार पर ये कड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन कड़े फैसलों जो सरकार की ओर से लिए गए हैं उनकी पालना कितनी होती है ये बड़ा सवाल है। और इसका एक बानगी आप सुबह आज यहीं पर देख सकते हैं कि सड़कों पर जिस तरह की आवाजाही देखी जा रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस प्रशासन आज के इस सरकार का जो फैसला है जन अनुशासन उसको लेकर कितना सख्त है। और यही कारण है, देखिए आज सड़कों पर पूरी तरह से आवाजाही जिस तरह की देखी जा रही है, हालांकि मार्केट पूरी तरह से बंद रखे गए हैं, जो जरूरी सेवाएं हैं उनको ही खोला गया, उन्हीं दुकानों को, रेस्टोरेंट की दुकानें हो या फिर खाद्य सामग्री की हो उनको खोला गया है, बैंक है उनको खोला गया, लेकिन अभी कार्यालय जाने का समय भी है तो ऐसे में सरकारी कर्मचारी हैं वो घरों पर अपने घर से ऑफिस के लिए निकल भी रहे हैं। प्राइवेट कार्यालय अधिकांश सरकारी कार्यालय को बंद रखा गया है, लेकिन बड़ी संख्या में क्योंकि दो दिन का वीकेंड लॉकडाउन रहा और दो दिन बाद आज घरों से निकल रहे हैं तो लोग पूरी तरह से इस जो जन अनुशासन पखवाड़ा है उसकी पालना आज कहीं ना कहीं नहीं देखी जा सकती। और मार्केट हालांकि देखिए मार्केट पूरी तरह से बंद है क्योंकि इस बात को लेकर पुलिस प्रशासन भी सख्त है, लेकिन इस कोरोना संक्रमण की चेन को किस तरह से तोड़ा जा सकता है इस दिशा में और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। और इसी मकसद से सरकार ने 15 दिन का ये जन अनुशासन पखवाड़ा, इसके तहत लोगों को, जनता को अपने एक अनुशासन का परिचय देना पड़ेगा। बिल्कुल दिनेश, जैसी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि जन अनुशासन को अब डंडे की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अपील की गई है उस अपील का असर यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना, राजधानी जयपुर की सीधी तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई है। राजधानी जयपुर में किस प्रकार से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं जिसको लेकर जरूर चिंता सरकार प्रशासन को करनी चाहिए। जो मकसद लेकर के सरकार ने कर्फ्यू बढ़ाया है उस कर्फ्यू की पालना अगर नहीं होगी तो 3 मई तक दुकानों को बंद किया गया है, लोगों की रोजी रोटी पर इसका सीधा असर पड़ेगा और इसके बावजूद भी कोरोना की चेन नहीं टूट पाएगी।